हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और क्या चल रहा है? 4-5 दिन हो गया मेरा वीडियो नहीं आया है, क्योंकि हमारी इधर भागवत बैठी हुई है ना, तो आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा। उस चक्कर में मैं ना वीडियो बना पाई, ना एडिट कर पाई, और ना ही आप लोगों के सामने वीडियो ला कर के रख पाई। तो उसके लिए सॉरी कीजिएगा और मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि दीदी आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो उसका कारण यही है कि भागवत बैठी हुई है यहाँ पर, तो मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही हूँ। और शोर शराबा इतना ज़्यादा हो रहा है कि मतलब एडिट करना नहीं हो पा रहा है। इसी चक्कर में जो है वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाया, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और आज ये वीडियो मैं देखिए यहीं पर बैठ करके बना रही हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सर्दी आप लोगों की इधर कैसी है? हमारे इधर भोपाल में लगभग सर्दी कम हो गई है, इतनी ज़्यादा नहीं है, ठंडी कम हो गई है अब, मतलब अब हल्की सी गर्म हवाएँ सी चलने लगी हैं। तो मतलब ज़्यादा स्वेटर वगैरह पहनने की ज़्यादा ज़रूरत हो नहीं रही है, तो बस इसीलिए हल्कापन महसूस हो रहा है अब, क्योंकि कपड़ों की कमी हो गई है, स्वेटर शॉल नहीं लेना पड़ रहा है। तो अभी गर्मी धीरे धीरे ऐसी बढ़ती जाएगी, और होली तक ही हमारी इधर सर्दी होती है, इसके बाद में फिर गर्मी होने लगती है अच्छे से। तो मैंने आज क्या ख़रीदा वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैंने ख़रीदा ये फ्लावर बुके, देखिए कितना प्यारा है ना। आज मैं जब मार्केट गई थी तो ये देखिए वहाँ पर फ्लावर पॉट वाले की दुकान लगी हुई थी। यहाँ पर कोई मार्केट नहीं है फ्लावर पॉट का, बस वो तो दुकान लगा करके आज पता नहीं कहाँ से आ गया, रोड में दुकान लगाई हुई थी उसने। और देखिए मैंने कुछ इस तरीके का जो है एक सेट ख़रीदा है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है रियल में, एकदम रेड कलर का है, और मुझे देखते से ही एकदम पसंद आ गया, तो मैंने बोला कि मैं ख़रीद लूँगी। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, देखिए। और ये जो है ना मेरे पास ये स्टैंड, इसका ये पहले से ही था, और ये स्टैंड मैं दिखाती हूँ आपको, एक मिनट रुकिए, आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ अच्छे से। देखिए मैंने ख़रीदा है ये रेड कलर का, और ये रियली में बहुत अच्छा लग रहा है सुंदर देखने में, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये देखिए एकदम रेड कलर पे है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा इसका कलर है। और ये देखिए कुछ वेलवेटी भी है, कुछ ऐसे वेलवेट तरीके का है, और इसके बाद इसमें देखिए कुछ इस तरीके को वाइट लगे हुए हैं,
और ये देखिए ऐसे हर पत्ते में ये लगा हुआ है। और मैं सोच रही थी कि रेड कलर का रोज़ का लूँगी, लेकिन वो यहाँ के मार्केट में मुझे मिला नहीं कहीं। कभी मिलेगा तो मैं पक्का ख़रीद के लाऊँगी, क्योंकि मेरे को रेड रोज़ बहुत पसंद है इस तरीके के, और बिल्कुल इसी तरीके का मैं ख़रीद करके लाऊँगी। और ये देखिए रियली में बहुत प्यारा लग रहा है। और किस किस को ये पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इसके लिए कुछ नया ले करके आऊँ, क्योंकि जो हमारे पुराने वाले फ्लावर थे ना वो पुराने हो गए थे। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा है ये। और ये जो स्टैंड है ना इसका, ये मैंने पहले ख़रीदा हुआ था, पहले ही ख़रीद लिया था इसको। और अभी ये पूरा सेट मेरा बन करके तैयार हो गया है कॉर्नर में रखने के लिए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये किस किस को पसंद आया। और ये वाले प्लांट भी देखिए हमने इंडोर में लगा रखे हैं। एक कॉर्नर में मेरा ये वाला प्लांट है, और इसमें देखिए ये तो मैंने आप लोगों के सामने ही लगाया हुआ था। इसमें सिर्फ दो पत्तियां थी, ये अब चौथी पत्ती इसमें निकली हुई है, और वो हमारा पान का पौधा लग रहा है। देखिए वो पान की बेल भी काफ़ी बढ़ गई है, देखिए बहुत अच्छे से बढ़ रही है वो भी। और इसके साथ में ये सबसे अच्छा मेरे को लगता है, सबसे प्यारा प्लांट मेरा यही मेरे को लगता है इंडोर में। और ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है ना, देखिए। और ये मैंने आप लोगों के साथ में ही लगाया था, और देखिए हम लोगों के साथ साथ में ये भी इतना आगे बढ़ गया है कि देखिए हम लोग जब मिले थे, मतलब आप लोगों से मेरी बातचीत होना चालू हुई थी तभी मैंने इनको लगाया था। और ये देखिए अभी बहुत अच्छे से हरे भरे हो रहे हैं। और ये वाला इसका मतलब पत्ता देखिए, ये वाली लीफ जो है इसकी खुलने वाली है, देखिए कल तक खुल जाएगी शायद। तो ये इसमें चार पत्तियां हो जाएंगी, और भी सुंदर लगने लगेगा ये। और इसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको एक और प्लांट, इधर ये वाले कॉर्नर में मैंने रखा हुआ है। देखिए मेरा स्नैक प्लांट कितना बड़ा हो गया है ना, इसकी पत्तियां काफ़ी लंबी हो रही हैं, छोटी छोटी हम लोगों ने लगाई थी और ये बहुत लंबी हो रही हैं। देखिए एक कॉर्नर में मैंने इसको रख दिया है, एक कॉर्नर में मैंने उसको रख दिया है, और एक कॉर्नर में जो है रेडीमेड वाला। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा लगेगा मेरा हॉल। तो आप लोग भी अपने हॉल को इसी तरीके से सजाइएगा। देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक कॉर्नर में, तो ये मंदिर वाला जो कॉर्नर है ना हमारा, ये देखिए दिया लग रहा है कितना सुंदर लग रहा है मंदिर में। और ये एक कॉर्नर में मैंने ये वाला प्लांट रखा हुआ है। इसके बाद सेकेंड कॉर्नर में मैंने सोफे के पास में ये वाला प्लांट रखा हुआ है। अभी अंधेरा है, काफ़ी लाइटिंग है, फिर भी रात हो गई है। और इसके बाद ये सोफ़ा हमारा। और ये देखिए इधर मैंने रेड कलर का प्लांट रखा हुआ है, क्योंकि ये जो हमने अभी ख़रीदा है वो रखा हुआ है। इसके बाद मेरा टीवी, और ये मैंने जो फ्लावर प्रिंट में ये जो बेडशीट लगा के रखी है ना, इसी की मैचिंग का मैंने ये ख़रीदा हुआ है रेड कलर, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। मेरे पर्दे पर्पल और पिंक कलर में हैं। इसके बाद रेड और पिंक और पर्पल कलर का ही मेरे ने ये हॉल बना के रखा हुआ है अभी। और मेरे सोफे कलर कुछ इस कवर कुछ इस कलर के हैं। तो चलिए, और रेड कलर के फ्लावर है ना वो सभी को अच्छे लगते हैं, मुझको ही क्या, मतलब आप लोगों को भी पसंद होंगे रेड कलर के रोज़। और ये देखिए रियली में ये कितना प्यारा लग रहा है देखने में भी, और इतना अच्छा लुक दे रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। किस किस को मेरी पसंद आई है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये काफ़ी बड़ा है, देखिए ये देखिए काफ़ी बड़ा है, ये देखिए। तो आज मैंने यही ख़रीदा, और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया कि ये मैंने ख़रीदा। और ये स्टैंड वाकई में मेरा बहुत अच्छा लग रहा है, और कहीं भी कॉर्नर वगैरह में रखने के बाद में बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये कैसे लगा। और ये मेरा पूरा पॉट तैयार हो गया है अच्छे से। और इस तरीके के फूल अगर घर में हो ना तो बहुत ही अच्छा मन होता है, मतलब अच्छा लगता है, घर में बैठने में सुकून सा महसूस होता है। और आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों को पेड़ पौधे लगाने की और हरा भरा में रहने की बहुत ज़्यादा आदत है, मतलब बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। और आप लोगों ने देखा ही है कि इंडोर प्लांट भी मेरे घर में कई हैं, और इनको मैंने रखा हुआ है। ये दिन और रात दोनों टाइम में ऑक्सीजन देते हैं, और दोनों तरीके का एक स्नैक प्लांट का पेड़ है, पौधा है, और उसका नाम मैं भूल गई एक का नाम, और वो भी मैंने लगा के रखा हुआ है। आप जा कर के देखिएगा मेरे वीडियोस, वो प्लांट मैंने कैसे लगाए हैं वो सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया है। और पूरा डिटेल में मैं अपना वीडियो बनाती हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं। बस अभी कुछ दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और घर के कामों में ज़्यादा उलझने के कारण मैं अच्छा वीडियो दे नहीं पा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग
के साथ इसी प्रकार मुझे रहा मेरा साथ, तो मैं पक्का आप लोगों को अच्छा वीडियो दूंगी। और कैसे हैं आप सब, और किस किस का चैनल मोनेटाइज हो गया है कमेंट करके बताइएगा। मेरे साथ वाले लोगों का, वैसे कई लोगों का हो गया है मोनेटाइज, और हम सब लोग बहुत खुश हैं जिन जिन का मोनेटाइज हो गया है उनके लिए। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कांग्रेस किया कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बधाई दी मेरे चैनल मोनेटाइज होने पर, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ मैं, अभी मैं अपने वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। और आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और आपको किस तरीके का जो है वीडियो चाहिए, और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से अच्छा वीडियो देने की कोशिश करती हूँ। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई सजेशंस है तो उसको भी बताइएगा, मैं उसको भी फॉलो करने की कोशिश करूँगी। और आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।